हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है, कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से, ठीक है। इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन क्या है और इसकी क्या विशेषता है, इसका उत्थान कैसे हुआ और इस आंदोलन का पतन कैसे हुआ, इस पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो 19वीं शताब्दी में पंजाब में मुसलमानों में कई धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। 19वीं शताब्दी में पंजाब में मुसलमान भी जो है पीछे नहीं रहे, इन्होंने कई प्रकार के आंदोलन शुरू किया। कहते मुसलमानों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीति संतोषप्रद होने से कहीं दूर थी, क्योंकि मुसलमानों को भी उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था जो हिंदू उस समय झेल रहे थे। राजनीतिक रूप से वे हर्षायुक्त थे और सामाजिक और धार्मिक तौर पर वे विरूप्त थे। उनके सामने ईसाई मिशनरी और आर्य समाज कारकुनों की ओर से गंभीर खतरा बना हुआ था, क्योंकि जिस प्रकार उस समय ईसाई धर्म प्रचार कर रही थी और आर्य का उस समय बोलबाला था, कहते मुसलमान धर्मों के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ था। जो मुसलमानों के धर्म परिवर्तन अपने अपने धर्मों में करने के लिए तुले हुए थे, आर्य समाज वाले भी तुले हुए थे और ईसाई मिशनरी भी मुसलमानों को जो है अपने धर्म में लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। शिक्षा में भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी और मुसलमानों में जो है असाक्षर की संख्या काफ़ी अधिक थी, यानी बहुलतम संख्याओं में असाक्षर मौजूद थे, जिन कमियों और बीमारियों से मुसलमान जो है अंदरूनी और बाहरी रूप से ग्रस्त थे। उन्हें दूर करने के लिए बहुत से आंदोलन चलाए गए और भारत में मुसलमान सामाजिक आंदोलन मुख्य रूप से धर्म की शुद्धि पर केंद्रित थी। यानी देखा जाए भारत में मुसलमान सामाजिक धार्मिक आंदोलन मुख्य रूप से धर्म की शुद्धि पर केंद्रित थी और इस्लाम धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन में अहमदिया आंदोलन, फरेजल आंदोलन, तारिका ए मुहम्मदिया आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन इत्यादि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो यहाँ पर अहमदिया आंदोलन जो थे मुसलमानों के लिए एक उत्तम कोटि की आंदोलन थी। देखा जाए तो अहमदिया आंदोलन को भारत में महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली मुसलमान समाज की धार्मिक आंदोलन माना जाता है, जिनसे उनकी जो है हर तरह से सुरक्षित कर सका। ये आंदोलन पंजाब में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने शुरू किया था। यानी आपको ये बात याद रखना चाहिए कि अहमदिया आंदोलन का शुरुआत जो है मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया था, ये स्थापक थे इसके और वो अच्छा शिक्षित व्यक्ति थे, वो काफ़ी शिक्षित व्यक्ति थे। कहते हैं अहमदिया आंदोलन के जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे वो बहुत ही शिक्षित थे। उसने मिशन मसीहा के रूप में प्रचारित करना शुरू किया। उसने यह भी दावा किया कि उसके पास पैगंबरी शक्ति थी, यानी उन्होंने अपने आप को जो है पैगंबरी शक्ति होने का दावा भी पेश किया। अहमदिया आंदोलन के मुख्य निशाने देवबंद और शहीद ए हदीत आंदोलन के कुछ नामी सुनी उलेमा थे जो क्षेत्र के सुनियों में प्रभावशाली हो रहे थे। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में ईसाई मिशनरी को बढ़ाने का प्रभाव के विरुद्ध भी मजबूत आवाज़ उठाई। कहते मिर्ज़ा गुलाम अहमद और उसके परोपकारों में दावा किया कि वह स्वयं ही अच्छे इस्लाम के समर्थक है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अपने आप को जो है पैगंबर की शक्ति होने की दावा भी की और उन्होंने कहा कि जो उनके पास है वो सारे के सारे जो है पैगंबरी शक्ति है। और मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में ईसाई मिशनरी को बढ़ने के प्रभाव के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई। देखिए कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया
अहमदिया आंदोलन को स्टार्ट करके और जिन्होंने मुसलमानों को सुरक्षित किया आर्य से और ईसाई मिशनरी से, वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब चलिए देखते हैं हम कि अहमदिया आंदोलन का जन्म और विकास, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे समक्ष जो आया है अहमदिया आंदोलन के जन्म और विकास, इसके अंतर्गत हम सब सबसे पहला पॉइंट करेंगे मिर्ज़ा गुलाम अहमद की आरंभिक जीवन। देखिए अहमदिया आंदोलन शुरू करने का श्रेय मिर्ज़ा गुलाम अहमद को जाता है और उनके जीवन के बारे में अगर हम न जान सके तो ये हमारे लिए अधूरा जानकारी रहेगा। इसलिए मिर्ज़ा गुलाम अहमद की आरंभिक जीवन के बारे में जानना कई मानने में महत्वपूर्ण रहेगा, तभी जो है हम अहमदिया आंदोलन के बारे में भी समझ सकेंगे। और समझने की बात दोस्तों ये होता है कि आप जब भी वीडियो देखते हो उसको अच्छे से देखो, क्योंकि हर एक पॉइंट को देखना महत्वपूर्ण है। अगर स्किप करके आगे कर करके देखते हो तो वो आपको न तो समझ में आएगी और न ही आप अच्छे ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। लेकिन कहते हैं ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट था आपको बताना है, कभी भी स्किप करके ना देखो, आगे बढ़ बढ़ के ना देखो, क्योंकि आगे बढ़ा बढ़ा के वीडियो देखोगे तो शायद आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए वीडियो देखते हो तो प्रॉपर पूरी देखो, इससे आपको पूरा टॉपिक ही समझ में आ जाता है और ये ज़रूरी भी है। देखा जाए तो हमारे समक्ष जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद की आरंभिक जीवन आया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं वर्ष 1835 में अहमदिया आंदोलन के वाणी मिर्ज़ा गुलाम अहमद का जन्म हुआ, जिनका जन्म 1835 में हुआ। उसके पुरखों में 1530 ईस्वी में जो है समरकंद से भारत आए थे, यानी उनके पुरखे जो थे 1530 ईस्वी में समरकंद से भारत में आए थे और वह जिला गुरदासपुर पंजाब में आकर आबाद हो गए। यहाँ उन्होंने कादियाँ नाम का मौजूदा नगर बसाया जिसका पहला नाम इस्लामपुर कादी था। उसका परिवार मुगलों में संबंध रखता था और वो हाजी वली के वंशज थे, यानी वो हाजी वली के वंशज थे, इसी कारण उसे मिर्ज़ा भी कहा जाता था और वो कादियों के मिर्ज़ा गुलाम अहमद के रूप में प्रतिष्ठित भी था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था मिर्ज़ा गुलाम अहमद के लिए। उसने अपनी आरंभिक शिक्षा अपने गांव से ही में ही प्राप्त की और फिर कादिया के करीब 10 मील दूर बटाला के नगर में अपनी जवानी में अपने पिता के निर्देश पर वह कृषि जमीनों के प्रबंधन में व्यस्त रहा। यानी देखा जाए तो उन्होंने अपनी जीवन में जो है जवानी का जो जीवन था उन्होंने अपने पिता के निर्देश पर बिताए, उन्होंने कृषि जमीनों के प्रबंधन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर की। फिर सलाकोट में एक सरकारी नौकरी भी स्वीकार की जहां पर 1864 ईस्वी से लेकर 1886 ईस्वी तक उन्होंने अपने कार्यरत रहे। इस अवधि में आपने दिन के कार्य के बिना उसका समय केवल पवित्र कुरान को पढ़ने में ही लगाया। यानी देखा जाए तो उनको पवित्र कुरान से बहुत ही दिलचस्पी था। सलाकोट में अपने ठहराव के दौरान वह ईसाई मशीनरी के विरुद्ध काफ़ी विवादों में भी परे रहे। उसे एकांत पसंद था और दुनियादारी कार्य उनसे पसंद नहीं थे, ये उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण विचारधारा थी। उसके आगे हमारे समक्ष आता है मिर्ज़ा दिवंत होने का मिर्ज़ा का दावा, यानी मिर्ज़ा दिवंत होने का मिर्ज़ा का क्या दावा थे। 1876 ईस्वी में उसके पिता की मृत्यु के बाद उसने स्वयं को पूरी तरह इस्लाम के उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। अब मिर्ज़ा के मन में सिर्फ इस्लाम के लिए ही जो रह गया विचारधारा। उस समय तक आर्य समाज के नाम से एक नया आंदोलन हिंदुओं में शुरू हो गया था, यानी उस समय आर्य समाज के नाम से जो है एक नया आंदोलन हिंदुओं में शुरू कर दिया गया था। 1878 ईस्वी में उसके धार्मिक विषय पर लिखे लेख विभिन्न पर्चों में प्रकाशित हुए, यानी मिर्ज़ा जी ने जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने धार्मिक विषय पर कई लेख लिखे, कई पर्चे प्रकाशित हुए, इनमें से कुछ आर्य समाज के मतों के विरोध में भी थे। देखा जाए तो वो आर्य मतों के इसलिए विरोध में लिखी गई क्योंकि आर्य समाज कई मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। आर्य समाज के बनी स्वामी दयानंद सरस्वती और अन्य आर्य समाज के मुखियों के साथ उनके विवादों में हम उनमें इस्लाम के बारे में अत्यधिक जोश गहरी वैधता देखते हैं। यानी देखा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती और अन्य आर्य समाज के मुखियाओं के साथ इनका बात विवाद हमेशा होता रहता था और ये अपने आप को उसमें अत्यधिक जोश और गहरी वैधता को जो है पेश करते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था।
1880 ईस्वी में उसने अपनी पहली और मशहूर पुस्तक ब्राहीन अहमदिया शुरू की, जिसके पहले चार खंड 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और इस पुस्तक ने इस्लाम की शिक्षाओं को बड़ी ज़बरदस्त दलीलों के साथ स्थापित किया, और ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि इन्होंने जो इस्लाम की शिक्षाओं को जो है बहुत ही दलील पूर्वक जो है पेश किया। उसने आर्य समाज, बाहर ब्राह्मण समाज और ईसाई द्वारा इस्लाम के विरुद्ध इतराजों का भी खंडन किया, क्योंकि इनका मानना था कि हमारा धर्म भी श्रेष्ठ है। और देखा जाए तो मूल रूप से उनके गलत सिद्धांतों को पूरी तरह विरोध किया इन्होंने। उसने अपनी पुस्तक में दैव्य इलाहम की जरूरत पर जोर दिया। उसने आगे दर्शाया कि इलाहम केवल अर्जित अतीत का प्रतिमाप नहीं है, अतुल अल्लाह ने इसे कौम के अपने बुनियाद लोगों से ही बीच बात की है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर त्रिपान श्री सेंटर भी ये बात कहता है कि जिसका जो धर्म है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अपने धर्म को मानिए, लेकिन देश में जो है सांप्रदायिक दंगा फसाद में भाग न लीजिए, क्योंकि आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ है। आप जिस धर्म में हो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आदरणीय है, लेकिन दूसरे का धर्म भी महत्वपूर्ण और आदरणीय है। इसलिए हमें किसी भी धर्म के अंतर्गत किसी प्रकार का विरोध नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार की जो है ईर्ष्या या दोष या रोष नहीं फैलाना चाहिए, इससे हमारा देश जलता है। आगे जो हमारे समक्ष आया है, बैस स्वीकार करने का ऐलान एवं अहमदिया नाम देना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि बायत स्वीकार करने का ऐलान एवं अहमदिया नाम देना। तो देखा जाए तो यहाँ ब्राहीन अहमदिया के प्रकाशन ने मुसलमानों पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। इनकी विचारधारा इतने प्रभावशाली थे कि सभी मुसलमान इस पर काफ़ी आकर्षित हुए। वह उसकी धर्मपरायणता और पावनता, इस्लाम के उद्देश्य के लिए उसकी सेवा और इसकी वैधता लिखतों और इस्लाम के विरोधियों के विरुद्ध उसके दलेरी से डटे रहने के कारण उसे सभी लोग स्नेह करने लग गए। यानी देखा जाए तो उनकी बहादुरी, उनकी दृढ़ इच्छाओं के कारण सभी मुसलमान जो है उनसे स्नेह करने लग गए। तो ये होना भी चाहिए। कहते हैं जो अपने धर्म को बचाता है वो महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं किसी के धर्म को नष्ट करना ये सबसे बड़ी अधर्म काम होता है, क्योंकि आप जहाँ पर हो, जिस धर्म में हो, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन किसी धर्म के बारे में बुरा कहना ये कदाचित सही नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए तो सभी धर्मों का यही कि मकसद होती है कि वो दूसरे धर्म को जो है नष्ट करने की कोशिश करें। देखा जाए तो 1888 ईस्वी में उसने घोषणा की कि अल्लाह ने उसे बयात स्वीकार करने का और जमात बनाने का आदेश दिया है। ये 1888 ईस्वी में उन्होंने स्वयं ही घोषणा की कि अल्लाह ने उसे बयात स्वीकार करने का और जमात बनाने का आदेश दिया है। और यह बयात सूफियों की तरह की नहीं थी, अतुल इसका उद्देश्य मकसद इस्लाम के उद्देश्य की रक्षा करना है और इसका प्रसार करना था और इस्लाम की सेवा को भी सभी विचारों से उच्च स्थान देना था। यानी देखा जाए तो इस समय उन्होंने अपने आप को बहस स्वीकार करने के लिए अल्लाह के मर्जी पे जो है उन्होंने ये सभी लोगों में जो है उद्देश्य फैलाया कि अल्लाह उनको रक्षा करने के लिए जो है भेजा है, अल्लाह की सेवा कभी विचारों से उच्च स्थान देना ही उनका प्राथमिक कार्य है। अब आगे हम देखें तो बयात में प्रवेश पाने की 10 शर्तें उन्होंने रखी थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी बयात में प्रवेश पाने की उन्होंने जो 10 शर्त रखी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे और काफ़ी ज़रूरत भी थे। देखा जाए तो उन्होंने पहले विचारधारा तो यही बताया कि शिर्क की मनाही, यानी अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न करना, ये इनकी शर्तें थी कि शिर्क की मनाही यानी अल्लाह के अलावा किसी और की जो है इबादत न करना, झूठा, क्रूरता, धोखाधड़ी, फरेब, विद्रोह या किसी भी बुराई से परे रहना। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण बात को उजागर किया कि झूठ बोलना, क्रूरता करना, किसी की धोखाधड़ी करना, फरेब करना, विद्रोह करना या किसी बुराई में से परे रहना, ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। इवन कि देखा जाए तो इन्होंने तीसरी जो बयात पाने में जो है शर्त रखी वो रखी थी
कि दिन में 5 बार जो है दुआ करना, यानी सलात करना, यानी दिन में 5 बार जो है दुआ करने की इन्होंने बात रखी। उसके पश्चात आगे हम देखें तो उन्होंने चौथी जो शर्त रखी वो था अल्लाह के बनाए किसी भी जीव को चोट ना पहुंचाना। अब देखिए इन्होंने कितनी महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा किया है। मैं तो ये हैरान रहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि चोट पहुँचाना उनकी कौम में है, वो गलत हैं। कहते कोई भी धर्म किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने के लिए कभी नहीं कहता, कभी भी किसी को तकलीफ़ देने की बात नहीं कहती है। और यहाँ पर अल्लाह के बनाए किसी भी जीव को चोट न पहुँचाना ये प्राथमिक थी। अल्लाह देखा जाए तो हर जीव जंतु हर की रचना किया है, तो अल्लाह के बनाए किसी भी चीज़ को चोट न पहुँचाना ये काफ़ी महत्वपूर्ण इन्होंने बात बताई। इवन कि देखा जाए तो बयात में प्रवेश पाने की जो अगला शर्त है, पाँचवा शर्त काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अल्लाह के लिए हर मुश्किल सहना, यानी अल्लाह के लिए जो भी तकलीफ़ होती है उनको सहन करना, ये बयात की महत्वपूर्ण बात थी। इवन कि देखा जाए आगे हम बयात में प्रवेश पाने के जो अगला शर्त है वह है अपद्रव्य रीतियों और बुरे इच्छाओं से बचकर रहना, यानी बुराइयों से अपने आप को दूर रखना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर इन्होंने बयात रखी। अगर अगली हम शर्तों की बात करें तो घमंड छोड़कर निम्रता से रहना, यानी घमंड किसी प्रकार का न करना, ये इनकी प्राथमिक और महत्वपूर्ण बात थी। इवन आगे देखें तो उन्होंने 8वें पॉइंट के अंदर बताया था कि अपने धर्म प्रतिष्ठा व इस्लाम की भलाई को अपने जीवन की और संपत्ति एवं बच्चे से ऊपर रखना है, यानी हमारा लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रतिष्ठा इस्लाम धर्म की भलाई है। इसके लिए हमारी जीवन चला जाए, संपत्ति चला जाए, बच्चे से भी ऊपर हमारा धर्म है, हमारे प्रतिष्ठा है, हमें अपनी प्रतिष्ठा को निभाना चाहिए। कहते हैं प्रतिष्ठा इस्लाम की भलाई के लिए बनाई गई थी और ये ज़रूरी था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बयात थे। इवन कि हम अगर 9वां नवंबर के देखें तो कहते हैं अल्लाह के बंदों के लिए दया भाव रखना, जो अल्लाह के बंदे हैं उनके लिए दया भाव रखना एवं उनके कल्याण के लिए प्रयत्न सदैव करता रहना, ये उनके जो है 9वां जो है बयात थे जो कि शर्त के अंतर्गत था। इवन कि हम 10वां बयात देखें तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मुसलमानों में भाईचारा स्थापित करना, यानी मुसलमानों को आपस में भाईचारा रहना चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए और वह हर अच्छे कार्य में अहमद की आज्ञा मानना और इन नियमों का जो है मरते दम तक पालन करना, यानी किसी को चोट न पहुंचाना, कभी बुरे रास्ते को न अपनाना और सदैव ही सच्चाई के साथ आगे बढ़ना, ये इनके बयातों में प्रवेश पाने के 10 शर्त थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। यद्यपि आंदोलन 1879 ईस्वी में स्थापित हुआ था पर इन अहमदा नाम जो है 19वीं शताब्दी ईस्वी में दिया गया, यानी देखा जाए ये इस आंदोलन का जो है शुभ आरंभ 1889 ईस्वी में स्थापित हुआ, लेकिन देखा जाए तो अहमदिया नाम जो था 19वीं शताब्दी में दिया गया, यानी 1900 में इसको दिया गया। उलेमा और अन्य लोगों के ज़बरदस्त विरोध के बावजूद उसके चेलों की गिनती बढ़ती गई, यानी देखा जाए तो यहाँ पर मिर्ज़ा के जो चेले थे उनके आए दिन बढ़ते जा रहे थे। बेशकली देखा जाए तो उलेमा जो थे और अन्य लोगों के ज़बरदस्त विरोध इस समय भी थे, लेकिन फिर भी इनके विचारधाराओं के कारण ये जो थे आगे बढ़ते चले गए। उस समय तक उन्हें मिजाइज और कादियानी कहा जाता था, यानी उस समय उन्हें मियाज़ाइज और कादियानिया कहा जाता था। और कहते हैं 4 नवंबर 1900 को मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि उसे मोहम्मद की तरफ से अहमद कहा जाए, यानी देखा जाए मोहम्मद की तरफ से उन्होंने अपने आप को अहमद कहलाया। और अहमद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है बहुत प्रशंसात्मक। उसने दावा किया कि अल्लाह ने उसे नेकी, प्यार, दया और नम्रता के लिए कुछ गुण बख्शे थे, जैसे हज़रत मोहम्मद को बख्शे थे। इस तरह इस आंदोलन को अहमदिया नाम दिया गया क्योंकि अहमद पैगंबर मोहम्मद के 2 नामों में से एक था, यानी अहमदिया नाम दिया गया क्योंकि अहमद पैगंबर मोहम्मद के 2 नामों में से
एक नाम था। तो इस प्रकार जो है इन्होंने अपना जीवन को आगे बढ़ाया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मसीहा होने का दावा और मिर्ज़ा गुलाम अहमद के विरोध। कहते हैं यहाँ पर देखा जाए तो मिर्ज़ा जो थे अपने आप को मसीहा होने का दावा और मिर्ज़ा गुलाम अहमद के विरुद्ध बहुत से विरोध भी हुए। ऐसा होता है, कहते हमेशा ऐसा ही हुआ है। अहमदिया आंदोलन का अन्य पड़ाव तब शुरू हुआ जब गुलाम अहमद ने यह ऐलान किया कि जिस मसीहा ने आने का वादा मुसलमानों से किया गया था वही इस कौम का जो है मुजद्दिद होगा और मसीहा के आने संबंधी जो भविष्यवाणी की गई थी वह स्वयं मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा ही पूरी की जाएगी। यानी देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा किया गया कि अहमदिया आंदोलन का अन्य पड़ाव ये भी था, गुलाम अहमद ने यह ऐलान कर दिया कि जिस मसीहा के आने का वादा मुसलमानों से किया गया था वही इस कौम का मुजद्दिद होगा और मसीहा के आने संबंधी जो भविष्यवाणी की गई थी वह स्वयं मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा ही पूरी की जाएगी। ऐसे दावे के पश्चात उसके विरोध का एक तूफान खड़ा हो गया, क्योंकि देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात थी। इन्हीं कारणों से इस दावे के पश्चात उसके विरोध में एक तूफान खड़ा हो गया। और कुछ दिन पहले जिस व्यक्ति को इस्लाम का चैंपियन समझा जाता था उसे ही इसका सबसे बुरा दुश्मन माना जाने लग गया। अभी समुदाय ईसाई हिंदू और मुसलमान उसके विरोध में एकजुट हो गए थे। देखा जाए तो सभी समुदाय ईसाई हिंदू मुसलमान उसके विरोध जो है विरोध में एकजुट हो गए, क्योंकि अब उनको मौका मिल गया। उसकी निंदा करने के लिए पूरा जोर लगाया गया और उसके विरोध हिंसा को भी जायज ठहराया गया। कुछ उसके विरुद्ध फतवा जारी कर दिया कि वह और उसके चेलों को मस्जिदों में दाखिल न होने दिया जाए और उसके मृतकों को मुस्लिम कब्रिस्तान में न दबाया जाए, उनके निकास सही न माना जाए और उसकी संपत्ति जबरदस्ती छीन लिया जा सकती है। तो देखिए कितनी बड़ी जो है समस्या यहाँ पर मिर्ज़ा गुलाम के अहमद के ऊपर आया। उसके विरुद्ध अदालतों में झूठे मुकदमे भी डाले गए। इनमें एक मशहूर मुकदमा कत्ल के लिए उकसाने का था जो चर्च मिशनरी सोसाइटी के डॉक्टर हेनरी मार्टिन क्लर्क ने किया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे हमारे समक्ष है इस्लाम के फैलाव में अहमदिया आंदोलन की भूमिका। इसके आगे हमारे समक्ष आया है इस्लाम के फैलाव में अहमदिया आंदोलन की भूमिका, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो गुलाम अहमद इस्लाम का संदेश पूरे संसार में फैलाना चाहता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ देखा जाए तो गुलाम अहमद इस्लाम संदेश पूरे संसार में फैलाना चाहता था, ख़ास तौर पर यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों में जहाँ पर इस्लाम की एक बुरी तस्वीर बनी हुई थी। यो ये इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण विचार थे। अपनी पुस्तक ब्राहीन अहमदिया में उसका स्वयं को जो है मुजद्दिद के रूप में ऊंचा उठाने का मकसद अन्य सभी धर्मों पर इस्लाम की जो है प्रमुखता का होना था। उसकी सभी लिखित एवं तीव्र जोश के प्रतिबिंबित करती है जो इस्लाम के प्रचार के लिए था और इस दौर को उसकी लिखित इस आशा से भरपूर है इस्लाम की फतेह का समय आ चुका था। आधुनिक अदालतों से दूर एक गांव में रहते और अंग्रेजी भाषा ज्ञान न होने के बावजूद भी उसने पश्चिम इस्लाम के प्रचार का मुश्किल कार्य अपने हाथों में ले लिया। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अंग्रेज़ी न आते हुए भी उन्होंने पश्चिम इस्लाम के प्रचार का मुश्किल कार्य अपने हाथ में लिया। उसकी आकांक्षाएँ कुछ हद तक तब पूरी भी हुई जब उसने अंग्रेज़ी जानने वाले लोगों के सामने इस्लाम की तस्वीर रखने के लिए कादियों से अंग्रेजी मासिक धर्मों की समीक्षा शुरू की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि इस्लाम को फैलाव में अहमदिया आंदोलन ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। उसने इस्लाम के प्रचार के इस उद्देश्य को एक साधारण बात के रूप में नहीं रखा था, अतुल इसे मुहाजिदा माना, आत्मा की शुद्धि का एक साधन था।
उसने अपने शिक्षाओं को कहा कि वह इस्लाम के उद्देश्य के लिए सख्त मेहनत करे और इस्लाम के प्रसार के लिए अपनी पूरी शक्ति से जिहाद में शामिल हो। उसका विचार था कि आत्मा की शुद्धि कठोर अभ्यासों से नहीं की जा सकती है। उसके बारे में जो है पैगंबर व उसके समर्थकों में कुछ नहीं कहा, यद्यपि अतुल यह आध्यात्मिक जिहाद द्वारा ही इस्लाम का संदेश जो है दूसरे लोगों तक ले जाया जा सकता है। उसने इस बात को स्पष्ट किया कि जिस जिहाद के लिए तलवार से लड़ने की जरूरत पड़े उसकी इजाज़त कुछ खास अवसरों पर ही हो। उसकी जिस जिहाद की हमेशा इजाज़त है वह कुरान के साथ जिहाद है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। आगे हमारे समक्ष आएगा सभी धर्मों को एकजुट करना। तो चलिए देखते हैं सभी धर्मों की एकजुट जो है किस प्रकार की गई। हमारे समक्ष जो आगे आया है सभी धर्मों का एकजुटता, कहते 1895 ईस्वी में वो नानक के चालों के सत्य जानने के लिए डेरा बाबा नानक गया। यानी 1895 ईस्वी में नानक के चेलों की सत्यता जानने के लिए डेरा बाबा नानक गया। वापस आकर उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सत वचन था, जिसमें चेले का रेखा चित्र देने के साथ साथ उसने यह ठोस दलील सामने रखी कि बाबा नानक को बकाई इस्लाम की सत्ता पर विश्वास था। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई उसने। इसी से उसने इसराइल के कबीलों के बारे में भी खोजबीन की और यह साबित करने में सफल रहा कि वो कबीले फिलिस्तीन से आए थे और अफगानिस्तान और कश्मीर में आबाद हो गए। ये इनका तर्क था। यीशु मसीह के बारे में भी यह ऐतिहासिक तौर पर साबित किया गया था कि दापी उसे सलीब पर जो लटकाया गया था, पर इस पर उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। और उसने अपना संदेश इसराइलों को दिया और वह वहीं बस गया। स्थापक ने ऐतिहासिक प्रमाण भी पेश किया कि यीशु मसीह की मज़ार मोहल्ला खनियार श्रीनगर में ही थी। उसने यह दर्शाने के लिए भी खोज की कि सभी भाषाओं की माँ अरबी है। यानी देखा जाए तो सभी धर्मों की एकजुटता करने में यहाँ पर अहमद की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इवन देखा जाए तो नवंबर 1904 ईस्वी में उसने सलाकोट में यह घोषणा भी की, क्योंकि वह मुसलमानों का महदी था, ईसाइयों का मसीहा था, इसलिए उसे हिंदुओं के लिए कृष्ण का अवतार बना दिया गया। उसे संसार को ऐलान किया कि समय आ गया था जब संसार के सभी समुदायों का एक होना चाहिए। और इस एकता के लिए उसने यह दलील दी थी कि बाद के दिनों में आने वाले सुधारक के बारे में सभी भविष्यवाणी एक ही व्यक्ति में उपलब्ध हो चुकी थी, जो पावन पैगंबर मोहम्मद का एक सलीन सेवक था। और इसे सभी साबित किया कि इस्लाम केवल एक धर्म था जहां सभी कौमों एकजुट हो जाती है। यदि मुसलमान, ईसाई और हिंदुओं के लिए वादे अनुसार सुधारक एक व्यक्ति है तो इससे कई मतभेद दूर हो जाएंगे और वह उन्हें एकता और एक रूपता की ओर ले जाएगा, जो धर्म सबसे बड़ा उद्देश्य है। यानी देखा जाए तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण बात दर्शाई गई है जो काफ़ी अलग लग रही है यहाँ पर। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मिर्ज़ा अहमद के अंतिम दिन। कहते उसने एक छोटा पर्चा अल वसीहत के नाम से प्रकाशित किया और उसके अनुसार उसने एक अंजुमन बनाई थी बाद में, जिसे सदर अंजुमन अहमदिया नाम दिया गया। आंदोलन से संबंधित सभी मामलों में निपटने के लिए इस अंजुमन को सभी शक्तियां सौंप दी गई थी। और यह भी घोषणा की गई कि इसकी मृत्यु के बाद यही उसका उत्तराधिकारी होगा। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जो आंदोलन से संबंधित सभी मामलों में निपटाने के लिए इस अंजुमन को सभी शक्तियां सौंपी गई थी। और यह भी घोषणा की गई कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी उत्तराधिकारी भी अंजुमन ही होगा। और अप्रैल 1908 के अंत में वह लाहौर चला गया, जहां वह अपनी अंतिम पुस्तक पैगाम सुलह लिखने में व्यस्त हो गया। और 26 मई 1908 को उसने अंतिम सांस ली। तो देखा जाए तो मिर्ज़ा अहमद काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होता, जिसने इस्लाम धर्म को बचाने के लिए जो है बहुत कोशिश किया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है,
अहमदिया आंदोलन के सिद्धांत और मत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अहमदिया आंदोलन के क्या सिद्धांत थे और क्या मत था। देखा जाए तो अहमदिया मुसलमानों की पारंपरिक रीतियों का पालन करते थे, जैसे नमाज और रोजे, परंतु मुख्य धारा मुसलमानों में उनके प्रति एक गहरा संदेह है, मुख्य रूप से इसलिए कि अहमदिया ने यह पुष्टि की थी कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद पैगंबर था, और एक ऐसा दावा जिसे अधिकतर मुसलमान अब धर्मी मानते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर जो सिद्धांत और मत दिए हैं उसके बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला मत क्या था यहाँ पर अहमदिया आंदोलन के अंतर्गत। देखा जाए तो इस्लाम और कुरान में आस्था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इस्लाम और कुरान में आस्था। अहमदिया का केंद्रीय आस्था कुछ सुनी मुसलमानों जैसा ही था, यानी देखा जाए अहमदिया की केंद्रीय आस्था कुछ जो है सुनी मुसलमानों जैसा था। वो मानते हैं कि अल्लाह एक है और कुरान अल्लाह का संदेश है, ये उनका काफ़ी महत्वपूर्ण विचार था। वो मानते हैं कि अल्लाह एक है और कुरान अल्लाह का संदेश है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने सिखाया था कि इस्लाम जीवन की एक महत्वपूर्ण संहिता है और यह सभी मनुष्य के लिए एक शांतिमय धर्म है, परंतु इसका मानना था कि समय के साथ इस्लाम की कुछ परंपराएं बदल सी गई है, इसीलिए इस धर्म के कुछ परंपराओं को सुधारने के लिए उसे अल्लाह ने भेजा है। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उसका विचारधारा थी कि इस्लाम में कुछ परंपराएं बदल गई है, इसलिए उसको अल्लाह ने उसको यहाँ भेजा है सब कुछ ठीक करने के लिए। उसने कहा कि वह इस्लाम के पुण्य जागृत के लिए आया था और इस धर्म के प्रचार के लिए उत्तरदायी है, यानी कुरान में उसकी काफ़ी आस्था थी। उसके पश्चात देखें जिहाद द्वारा इस्लाम का फैलाव। अहमदिया मानते हैं कि इस्लाम की रोशनी फैलाने के प्रयत्न और संघर्ष में सबसे उच्चतम जिहाद धन और सांसारिक आश्रयों के रूप में महान व्यक्तित्व कुर्बानी द्वारा संसार के चारों कोनों में इस्लाम का संदेश पहुंचाना। यानी देखा जाए तो जिहाद द्वारा इस्लाम का फैलाव भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर था, यानी यहाँ पर था कि सबके उच्चतम जिहाद धन और सांसारिक जो है आश्रय के रूप में महान व्यक्तित्वगत कुर्बानियाँ द्वारा संसार के चारों कोनों में इस्लाम का संदेश पहुँचाना। मिर्ज़ा ने बताया कि तलवार के स्थान पर कलम के द्वारा जिहाद किया जाए, यानी तलवार के स्थान पर जो है कलम के द्वारा जिहाद किया जाना चाहिए, यानी किसी को न मारना न काटना, इस तरह से जो जीवन नष्ट होती है, धर्म नष्ट नहीं होती है। तो इस चीज़ों को उन्होंने जो नकारा कि तलवार के जगह पर हमें कलमों से जो है जिहाद करना चाहिए, और वो चाहता था कि सभी धर्म इस्लाम के छत तले ही एक हो जाएं, यानी सभी धर्मों को वो एक करने का विचार रखता था कि इस्लाम के छत तले एक धर्म हो जाए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विचार थे यहाँ पर जो है मिर्ज़ा अहमद की। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष पैगंबर मोहम्मद की अंतिमता का खंडन। कहते गुलाम अहमद ने जोर दिया कि वह अल्लाह का पैगंबर था और उसे नए युग की जरूरतों के अनुसार इस्लाम की व्याख्या करने का मिशन उसके सौंपा गया था। यानी अल्लाह ने यह मिशन दिया है कि आधुनिक संसार के अंतर्गत जो इस्लाम की जो है फैलाना, और यह सुनी विचारधाराओं के विरुद्ध है कि और कोई पैगंबर और इस्लाम में हो ही नहीं सकता। कहते पैगंबर एक थे और एक से अधिक नहीं हो सकता, ये इस्लाम धर्म के विरुद्ध है, ये सुनी विचारधाराओं के विरुद्ध है। और अंतिम और आखिरी पैगंबर मोहम्मद ही था। अहमदिया इसे अपनी स्थिति को गलत व्याख्या के रूप में देखते थे, क्योंकि उनके लिए उनका स्थापक पैगंबर का अवतार था, ना कि पूरी तरह से एक नया पैगंबर होना। पैगंबर का अवतार मानते थे, ना कि पूरी तरह से पैगंबर। वो मानते हैं कि अल्लाह ने उनका पैगंबर उसी तरह भेजा है जैसे अल्लाह ने यीशु को जो है भेजा था। उनका कहना है कि अल्लाह ने उसे संसार में शांति और न्याय फैलाने के लिए भेजा है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण विचारधारा थी यहाँ पर। वह इस संसार में कत्लेगार और धार्मिक जंगों ख़त्म करने के लिए जो है धरती पे अवतरित हुए हैं, ये उनका विचारधारा थी। इवन कि देखें अगला पॉइंट में, तो कहते हैं वो अपने आप को यीशु मसीह के बारे में उनका क्या विचार था,
ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह के बारे में भी उनका विचार अलग था। उनका विचार था कि गुलाम अहमद ने यीशु के बारे में दो चीज़ें बताई जो कि अहमदिया सिद्धांत के बुनियादी बनी, जो पारंपरिक मुसलमान संस्थाओं आस्थाओं से अलग है। एक तरफ तो उसने सिखाया कि दूसरी बार यीशु का आना एक दैवी अवरोध था और वह उसके द्वारा पूरा किया गया। यानी यहाँ पर दूसरी बार यीशु का आना एक दैवी अवरोध था और वह उसके द्वारा पूरा किया गया है। दूसरी तरफ उसने सिखाया कि यीशु वर्ग स्वर्ग में नहीं गया था, अतुल सलीब पर जिंदा रह गया था और वह भारत में कश्मीर को चला गया और उसकी मृत्यु 120 बरस की आयु में हुई थी और वह उसे श्रीनगर में दफना दिया गया। कहते हैं ये सारे विचारधारा काफ़ी ऑपोजिट है और कहते हैं जो इस धर्म को मानते हैं उनके समझ से परे था, इसीलिए कहते हैं यीशु मसीह के बारे में उनका विचारधारा बिल्कुल ही अलग था। उसके पश्चात देखें तो मुसलमानों में भातृत्व की भावना यानी भाईचारे की भावना उन्होंने जगाने की पुण्य कोशिश किया। कहते हैं अहमदिया आंदोलन इस तथ्य पर जोर देता है कि इस्लाम में कोई भी विभिन्न पंथ नहीं है, यहाँ केवल विचारों के विभिन्न स्कूल है। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था यहाँ पर कि इस्लाम में कोई भी विभिन्न पंथ नहीं है, यहाँ केवल विचारों के विभिन्न स्कूल है जो बुनियादी तौर पर सहमति रखते हैं और छोटे नुक्तों पर असहमति। इस्लाम संसार भर में फैली हुई एक जुट कौम की प्रतिनिधित्व करता है, चाहे कोई भी व्यक्तित्व स्वयं को सुनी कहे या सिया कहे या अहल या अदित कहे या अहमदी, सभी एक अल्लाह और एक ग्रंथ को मानते हैं। और यह इस सिद्धांत पर जोर देता है कि मुसलमान वही है जिसका विश्वास कलीमा में है और वो चाहे किसी भी पंथ के संबंध रखता हो पर उसकी श्रद्धा पावन कुरान में ही निहित है। ये मुसलमानों में भातृत्व की भावना जगाने में उनका महत्वपूर्ण बात थी। अन्य धर्मों के प्रति उनका उदार नज़रिया था। अहमद आंदोलन अन्य धर्मों के प्रति इस्लाम खुले और उदार नज़रियों पर जोर देता है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अपनी आस्था वाला इस्लाम जो है शांति से सारे संसार में फैलाने की कोशिश किया। उसने कहा कि सभी धर्मों को लोगों के लिए हमदर्दी क्षमा रखनी चाहिए और हज़रत मोहम्मद के उपदेशों को जो है अनुसार संसार में शांति होना चाहिए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात आता है शिक्षा का प्रसार, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो अहमदिया खास तौर पर इस्लाम के आधुनिकीकरण की राजनीति को प्रयोग करके मुसलमानों को ईसाई धर्म में परिवर्तन को रोकने का मिशन शुरू किया। उनके स्कूलों में उन्होंने इस्लामिक विज्ञान के साथ साथ पाठ्यक्रम में पश्चिमी विषय शुरू करके जो है तीव्र परिवर्तन किए और ये आंदोलन उन युवा मुसलमानों की बढ़ती हुई गिनती को रोकने के लिए थी जो आधुनिकता से आकर्षित होकर ईसाइयत के लिए इस्लाम को छोड़ रहे थे और उसके अधिक दुनियादार और आधुनिक मानते थे। अहमदिया मानते थे कि इस्लाम की बहुत सी परंपराएं अभ्यासों और रीतियों का आधुनिकीकरण करके और पश्चिमी संस्कृति के पहलुओं को अपनाकर वो इस्लाम का एक अक्सर सुधार सकते थे और युवा मुसलमानों को यह यकीन दिलाना चाहते थे कि मुसलमान और आधुनिक दोनों ही रहना संभव था। और इस तरह अहमदिया ने अपने स्कूलों में न केवल कुछ पश्चिमी पाठ्यक्रम में शुरू किया अतुल उन्होंने पश्चिमी लिबासों और शादियों और उन नामकरण समारोह को भी प्रोत्साहित किया जो ईसाई चर्चों में किए जाते थे। यानी देखा जाए तो उन्होंने शिक्षा का प्रसार में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष आंदोलन की दो शाखाएं। कहते हैं स्थापक की मृत्यु के बाद उसकी वसीयत के मुताबिक आंदोलन का सारा कार्य सदन अंजुमन अहमदिया के हाथों में रहा और आंदोलन का नेतृत्व स्वर्गीय मौलवी नूरुद्दीन के हिस्से में आया और यह मुसलमानों में अधिक से अधिक लोकप्रिय रहा। परंतु 1914 में मतभेद पैदा होने के बाद इनके परोपकार दो समूह में बट गए। एक अहमदिया मुसलमान समुदाय बने
जिसका मुख्यालय रवाहा में है, और लाहौर में अपने केंद्र के साथ लाहौर अहमदिया आंदोलन हुए। अहमदिया मुसलमान समुदाय जिस उस गांव के नाम पर कादानी भी कहा जाता है जहां स्थापक का जन्म हुआ था, का दावा भी था कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद पैगंबर था, यद्यपि वह कोई नए कानून नहीं लाया था। कादिया इस मत पर चलते थे रहे कि वे सभी को संस्थापक को मसीहा एवं मुजद्दीद नहीं मानते थे। उन्होंने काफिरों के रूप में इस्लाम के दायरों के बाहर जाना चाहिए था जब तक कि वह रस्मी तौर पर स्थापक के बयात में शामिल नहीं किए जाते। दूसरी तरफ लाहौर अहमदिया आंदोलन स्वयं को इस्लामी सुधारक आंदोलन के रूप में पेश करता था और ये साधारण विचार पेश करता था कि मोहम्मद के बाद और कोई नया पैगंबर नहीं आना था। ये बात उन्होंने गलत साबित किया कि मोहम्मद के अलावा कोई और नया पैगंबर नहीं आना था। उनका मानना था कि जो भी कलीमा का उपदेश देता था वो अल्लाह के बिना कोई परमात्मा नहीं है और मोहम्मद अल्लाह का संदेश वाहक है और वह मुसलमान था चाहे वह इस्लाम को किसी भी पंथ से संबंधित हो और कोई भी इस्लाम के दायरे से बाहर नहीं हो सकता। तो देखा जाए यहाँ पर अहमदिया आंदोलन जो थी दो शाखाओं में बट गई थी और ये होना स्वाभाविक ही था क्योंकि हमने देखा है कई आंदोलन जो थे, चाहे वो कहते हैं आर्य समाज आंदोलन थे, वो भी दो भागों में बटे और यहाँ पर अहमदिया आंदोलन भी दो भागों में बट गया। अब आगे हम देखते हैं अहमदिया आंदोलन के क्या महत्व थे। चलिए देखते हैं अहमदिया आंदोलन के महत्व क्या है। हमारे समक्ष जो आया है आगे अहमदिया आंदोलन का महत्व जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो एक धार्मिक मुखिया के रूप में मिर्ज़ा गुलाम अहमद को उच्चतम प्रतिष्ठा हासिल थी। उसकी धर्मपरायणता और पावनता के लिए उसे स्नेह किया जाता है क्योंकि वह धर्मपरायणता और पावनता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसकी विद्वता और वैदिकता के लिए उसका आदर भी किया जाता था और वह इस्लाम के विरोधियों के विरुद्ध मजबूत प्रतिरक्षा के लिए मशहूर भी था। यानी देखा जाए तो अहमदिया आंदोलन का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। अहमदिया आंदोलन शांति और एकता का समर्थक था। अहमद का नाम महत्व यह दर्शाता है कि इस्लाम का प्रभुत्व इसके उपदेशों की सुंदरता और आकर्षण के कारण होगा। वह इनके अपनी रक्षा के लिए तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी ये हमेशा कलम उठाने के महत्ता की तरफ इशारा करते थे। मिर्ज़ा गुलाम अहमद की मृत्यु के बाद 1912 ईस्वी में इंग्लैंड में वर्किल मुस्लिम मिशन स्थापित किया गया और बाद में 1922 ईस्वी में वर्लिन ने जर्मनी मुस्लिम मिशन स्थापित किया गया। उसके बाद इस्लाम के उपदेश का प्रचार एक के बाद दूसरे देशों में किया जाने लगा। यानी देखा जाए तो अहमदिया आंदोलन के काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रभाव थे। इवन कि देखा जाए अहमदिया के खास तौर पर इस्लाम के आधुनिकीकरण की रणनीति की प्रयोग करके वह शिक्षा का प्रसार से मुसलमान युवाओं में ईसाई धर्म में परिवर्तन को रोकना चाहते थे क्योंकि उस समय बहुत से मुसलमान जो थे ईसाई धर्म में परिवर्तन हो रहे थे। तो जो अहमदिया आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रभाव था, मिर्ज़ा ने मसीहा होने का दावा कर उन सब मुसलमानों को काफिर कहा जो इस दावे से सहमति नहीं रहते थे और इस तरह वह बड़े स्तर पर जो इस्लाम में सुधार लाने और मुसलमानों का भला करने में नाकामयाब रहा। तो देखा जाए तो ये आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण थी, ज़रूरी था। कहते हैं कुछ बातें किताबों तक सीमित रहे तो ही अच्छा है क्योंकि वास्तविकता में इसमें बहुत ही बड़ी जो है रहस्य छुपा रहता है। लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था जो हमने अहमदिया आंदोलन के अंतर्गत किया। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाण सेशन के साथ मदद करने के विचार रखते हो तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करने की भावना होनी चाहिए। दोस्तों कहते हैं कोई वीडियो अगर हम देखते हैं, अगर हम पूरी नहीं देखते हैं तो अधूरा जानकारी बन जाता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वीडियो को क्या करते, स्किप कर करके देखते हैं। दोस्तों ये आप कोई फिल्म नहीं देख रहे हो या कोई आप प्रोग्राम नहीं देख रहे हो, ये किताबी ज्ञान है। किताबी ज्ञान में कुछ बातें जो रहती है पीछे छूट जाती है। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा,
कंटिन्यू नहीं देखिएगा तो आपके बहुत से विचारधारा पीछे रह जाएगी और आप स्किप जो करने की आदत आपको लग गई है उससे आपको पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर पूरा नहीं देखने का मन है तो मत देखिए, वीडियो को देखिए ही नहीं, क्योंकि इससे अधूरा ज्ञान रहता है और तिरपान स्टडी सेंटर कभी नहीं चाहता कि बच्चों को अधूरा जानकारी हो। अगर आपने प्राप्त करना है तो पूरी जानकारी प्राप्त करिए, पूरे कंसेप्ट को समझिए, स्किप मत करिए। और एक बात और भी स्किप नहीं करना है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना आपके मन में से जाना नहीं चाहिए। इसलिए सोचना नहीं है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और 24 घंटे के लिए व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। जो बच्चे आपके संपर्क में होंगे वो जरूरी लिंक को देखेंगे और उनको अगर शायद अच्छा लगे, समझ में आए तो आगे वो उसमें विचार करेंगे। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा भी लग रहा है तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है, 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है और भी आने वाले समय में होगा। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।